हाय फ्रेंड्स, दिस इज बिबू दत्त फ्रॉम साउ टेक्नो गाइड। आज के ये वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ लेनोवो 300 फुल एचडी वेबकैम विद स्टीरियो बिल्टिन माइक का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। अगर ये वीडियो आप हमारे चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन मिलेगा, वहां पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बाजू में आपको एक बेल आइकन मिलेगा, वहां पे क्लिक करते हैं तो हमारे चैनल का लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, जैसे आज के टाइम में हमारा ऑफिस का मीटिंग हुआ या बच्चे लोगों का ऑनलाइन क्लासेस, सब कुछ वीडियो कॉलिंग में चलता है। अगर आप एक पीसी यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको एक वेबकैम का जरूरत पड़ेगा। तो ये लेनोवो 300 फुल एचडी वेबकैम आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें आपको 2.1 मेगापिक्सल का सीमॉस फुल एचडी कैमरा मिल जाता है। इसमें आपको इनबिल्ट डुअल माइक मिलता है विथ स्टेरियो फैसिलिटी, मीन्स आपको अलग सा माइक्रोफोन लगाने का जरूरत नहीं है। अगर आप ये कैमरा को लगा देते हैं तो आपका कैमरा विथ माइक्रोफोन, ये दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये कैमरा का खासियत ये है कि इसमें आपको अल्ट्रा वाइड एंगल मिल जाता है और इसको आप 360 डिग्री मूव कर सकते हैं। अगर आप इसको मॉनिटर में लगाते हैं या एंड्रॉइड टीवी में कनेक्ट करते हैं तो आपका यूज के अकॉर्डिंग आप कोई भी एंगल में उसको मूव कर सकते हैं। तो कंपनी यहाँ पे ये कैमरा के ऊपर आपको 3 साल वारंटी देता है एंड इसका प्राइस जो है ये लगभग 2700 के आसपास है। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका बेस्ट लिंक दिया हूँ, वहां पे क्लिक करेंगे तो करंट डेट का प्राइस जो है वो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए करते हैं उसका अनबॉक्सिंग। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लेनोवो 300 फुल एचडी वेबकैम का बॉक्स पैक है। जैसे आप देख सकते हैं कैमरा देखने के लिए कुछ ऐसा है। तो ये साइड में उसका सीरियल नंबर वगैरह लिखा गया है और बैक साइड में इसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो है ये 5310 रुपया लिखा गया है, जबकि उससे कम प्राइस में भी आपको मिल जाता है। और बॉक्स पैक में आपको कैमरा एक मिलता है और एक यूजर मैनुअल मिलता है। तो यहाँ पे हम इसको ओपन कर देते हैं। तो पहला कंटेंट हमारा ये वेबकैम है और यहाँ पे ये वायर के साथ ही अटैच है। सेकेंड आपको एक यूजर मैनुअल मिलता है। तो यहाँ पे कुछ पेपर डॉक्यूमेंट आपको मिलता है जो कि सर्विस सपोर्ट एंड वारंटी का है एंड यहाँ पे उसका यूजर मैनुअल मिलता है, आपको कैसे इसको यूज करना है डिटेल्स फोटो के साथ, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में दिया गया है। तो जैसे आप देख सकते हैं कैमरा सिल्वर कलर का है और इसका बेस के नीचे सीरियल नंबर एंड मॉडल नंबर वगैरह लिखा गया है, जबकि ये उसका स्टैंड है। आप कैमरा को चाहे तो कोई भी एंगल में रख सकते हैं, अगर आप कोई भी चीज के ऊपर इसको ऐसे रखना है तो भी रख सकते हैं, क्योंकि ये फ्लैप टाइप का यहाँ पे काम करता है। इसको अगर स्ट्रेट रखना है तो भी रख सकते हैं। तो आपका यूज के अकॉर्डिंग या आपका पीसी के अकॉर्डिंग आप इसको कैसे भी सेट कर सकते हैं। और कैमरा जो है ये मूव भी होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ऊपर नीचे अन मूव होता है। थोड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, बट आपका अकॉर्डिंग आप इसको मूव कर सकते हैं। और ये जगह में कैमरा के ऊपर एक कवर दिया गया है, जब आपको यूज नहीं करना है तो उस टाइम आप ये कवर को कैमरा के सामने रख दीजिए तो आपका कैमरा जो है वो डैमेज नहीं होगा। तो ये कैमरा में माइक्रोफोन आपको इनबिल्ट मिलता है जो कि स्टेरियो माइक्रोफोन है एंड डुअल माइक्रोफोन है, मीन्स दो माइक्रोफोन दिया गया है विथ स्टेरियो फैसिलिटी। तो अभी ये वेबकैम को हम लैपटॉप में कनेक्ट करते हैं और चेक करते हैं ये कैसे काम करता है और इसका क्लैरिटी कैसा है और माइक का क्लैरिटी भी कैसा है। एंड लास्ट में मैं आपको ये कैमरा एंड्रॉइड टीवी में कनेक्ट करके दिखाऊंगा, वहां पे भी चेक करेंगे ये कैसे काम करता है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं विंडोज लैपटॉप में इसको कनेक्ट करके आपको दिखाऊंगा। मेरे पास विंडोज पीसी नहीं है तो लैपटॉप में कनेक्ट करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो सिंपल आपको आपका विंडोज पीसी में यूएसबी स्लॉट में इसको लगा देना है। तो जैसे ही आप इसको यूएसबी स्लॉट में लगाएंगे, जैसे आप यहाँ पे कैमरा को देख सकते हैं तो यहाँ पे एक ही लाइट जो है ये ऑन हुआ है, मीन्स यहाँ पे व्हाइट कलर का लाइट जो है ये ऑन है, मीन्स ये कैमरा को पावर मिल गया है बट कैमरा अभी तक ऑन नहीं हुआ है। अगर कैमरा ऑन होता है तो यहाँ पे एक ग्रीन कलर का लाइट जो है वो ऑन हो जाता है, मीन्स आपको समझ जाना चाहिए कि कैमरा जो है ये ऑन हो गया। और ये ग्रीन कलर का लाइट यहाँ पे अगर ऑन हो जाता है तो आपका कैमरा भी ऑन हो जाता है विथ ये जो माइक दिया गया है, दो माइक स्टेरियो का, तो ये माइक भी ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे हम कैमरा को ओपन कर देते हैं, जैसे ये स्लाइडर को साइड कर दिए। तो जैसे ही आप आपका विंडोज पीसी में इसको कनेक्ट कर देते हैं, अगर आपका विंडोज पीसी में विंडोज 10 है तो ये ऑटोमेटिक उसका ड्राइवर जो है इंस्टॉल कर देता है। अगर आपके पास विंडोज 7 है तो लेनोवो का साइड से इसका ड्राइवर आपको मिल जाता है,
तो वहां से जाके आप डाउनलोड करके भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसको अगर विंडोज 10 में आप लगाते हैं तो सिंपल आपको प्लॉग इन कर देना है, फर्स्ट टाइम ये ऑटोमेटिक उसका ड्राइवर को इंस्टॉल कर देता है। तो अभी हम कैमरा को कनेक्ट कर दिए, तो सिंपल यहाँ पे मैं विंडोज का जो कैमरा एप्लीकेशन रहता है वो ओपन करके आपको दिखाता हूँ। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कैमरा जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ पे जो ग्रीन लाइट है ये भी चालू हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन लाइट जो है ये चालू हो गया, मीन्स कैमरा एंड माइक्रोफोन ये दोनों एक्टिव हो गया। तो ये विंडोज का जो डिफॉल्ट कैमरा एप्लीकेशन रहता है, इसमें सेटिंग में जाके भी आप उसका डिटेल्स चेक कर सकते हैं। जैसे हमारा ये जो कैमरा है ये 2.1 मेगापिक्सल का है एंड फुल एचडी है 1920x1080 है। तो यहाँ से रिजोल्यूशन कम ज्यादा भी आप कर सकते हैं आपका रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो नीचे अगर आप वीडियो शूटिंग करते हैं तो ये 1080p 30fps में शूटिंग होता है। तो यहाँ से आप कोई भी रिजोल्यूशन चेंज करके भी एंड रेशियो चेंज करके भी यहाँ से रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हैं। अगर आपको विंडोज पीसी में जूम मीटिंग करना है तो भी एप्लीकेशन को जैसे ही आप ओपन करेंगे आपका ये कैमरा जो है पीसी में एक्टिव हो जाएगा। तो ये लैपटॉप है, जैसे कि लैपटॉप में इनबिल्ट कैमरा रहता है एंड हम यहाँ पे वेबकैम दोनों को कनेक्ट किए हैं, तो उस जगह में आप कैमरा को स्विच भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे एप्लीकेशन दिखाया था कैमरा का, तो ये जो एप्लीकेशन है ये एप्लीकेशन में अभी हम ओपन किए हैं तो हमारा ये जो कैमरा है ये कैमरा अभी शो कर रहा है। तो यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो अभी ये लैपटॉप का कैमरा जो है ये अभी एक्टिव हो गया, जैसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं फिर से स्विच कर देता हूँ तो अभी हमारा जो वेबकैम है ये अभी चालू हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे मैं आपको बताया था ये कैमरा में इनबिल्ट माइक दिया गया है, दो माइक है वो भी स्टेरियो माइक है। तो ये माइक बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर आप आपका पीसी में ये कैमरा को लगाया है और पीसी से कम आप 6-7 फीट डिस्टेंस में भी बैठ के बात करेंगे तो भी सामने वाले को आपका ऑडियो क्लियरली सुनाई देता है। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, इसका ये जो आगे का हिस्सा है ये आपका मॉनिटर के आगे का हिस्सा को जस्ट सपोर्ट देता है और बैक साइड में ये जो है ये आपका मॉनिटर को यहाँ पे बैलेंस करता है। बस ऐसे रखेंगे तो ये आपका मॉनिटर के ऊपर आराम से फिक्स हो जाता है, जो कि आपका मॉनिटर को भी डैमेज नहीं करता क्योंकि यहाँ पे ये जगह में भी कुशन दिया गया है, ये जगह में भी कुशन दिया गया है। तो आप ऐसे आपका मॉनिटर के ऊपर इसको रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं हमारा जो वेबकैम है उसको टीवी के ऊपर यहाँ पे सेट किया हूँ, जैसे आप देख सकते हैं सेम टू सेम जैसे मॉनिटर में आपको सेट करना है। तो यहाँ से आप इसका क्लोज लुक देख सकते हैं, जैसे ये टीवी का टॉप है तो ये टॉप में कोई भी जगह में आप इसको लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाया था मॉनिटर में सेम टू सेम यहाँ पे आपको इसको रख देना है, टीवी का बैक साइड पे उसका यूएसबी का जो वायर है उसको लेके यूएसबी पोर्ट में लगा देना है। तो अभी हमारा टीवी में कैमरा जो है कनेक्टेड हो गया। तो उसके बाद आप कोई भी पर्सनल वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन यूज करते हैं या जूम मीटिंग एप्लीकेशन यूज करते हैं तो ये कैमरा को आपका टीवी में यूज कर सकते हैं। तो मैं पहले कुछ वीडियो बनाया था जिसमें बताया था जूम मीटिंग एप्लीकेशन को आप आपका एंड्रॉइड टीवी में कैसे इंस्टॉल करेंगे एंड यूज करेंगे, या पर्सनल वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन को आपका एंड्रॉइड टीवी में कैसे इंस्टॉल करेंगे एंड यूज करेंगे। अगर वो वीडियो आपको देखना है तो स्क्रीन में जो आई बटन आ रहा है वहां पे क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जो है आपको मिल जाएगा। तो अभी मैं फोन से एक जूम मीटिंग करता हूँ, उसमें कनेक्ट करेंगे हम हमारा एंड्रॉइड टीवी को और मैं दिखाऊंगा ये कैमरा का क्लैरिटी एंड माइक्रोफोन का क्लैरिटी आपको कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे मैं जूम मीटिंग एप्लीकेशन को ओपन कर देता हूँ। तो अभी आप स्क्रीन में देख सकते हैं कैमरा का क्लैरिटी कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा मीटिंग जो है कनेक्टेड हो गया। तो मैं ये कैमरा को फोकस करता हूँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं कैमरा का क्लैरिटी, और यहाँ पे माइक्रोफोन में भी अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आवाज़ आता है, और फोन में भी सुनता हूँ तो भी यहाँ पे आवाज़ मुझे क्लियरली सुनाई देता है। तो यहाँ पे मैं और एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि ये कैमरा का नीचे आपको ट्राइपॉड का स्लॉट मिलता है, मीन्स अगर आपके पास मिनी ट्राइपॉड है या बड़ा ट्राइपॉड है तो भी ये ट्राइपॉड को आप यहाँ पे लगा सकते हैं और ये कैमरा को ऐसे स्टैंड कर सकते हैं। जैसे मैं अभी ये मिनी ट्राइपॉड में इसको लगा दिया और यहाँ से अगर मैं ऐसे रखूँगा तो भी ये काम करेगा, या अगर आपको ट्राइपॉड में रख के भी यूज़ करना है इसको तो भी आप कर सकते हैं। तो ये कैमरा में एक अच्छा बात दिया गया है, उसके लेंस के सामने कवर दिया गया है। जब आप कैमरा को यूज़ करेंगे तब आप इसको जस्ट ऐसे साइड कर दीजिएगा तो आपका लेंस का फेस जो है ये ओपन हो गया,
तो आप इसको यूज कर सकते हैं। जब यूज नहीं करेंगे जस्ट इसको राइट स्लाइड कर देना है तो इसके ऊपर एक प्रोटेक्शन आ जाता है या कवर आ जाता है जो कि आपका लेंस को सेव करता है। तो ओवरऑल अगर ये कैमरा का बिल्ड क्वालिटी देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल भी है, आप सभी एंगल में इसको मूव कर सकते हैं। और यहाँ पे जो क्लैंप दिया गया है ये क्लैंप में भी कुशन दिया गया है, मीन्स आप कोई भी मॉनिटर के ऊपर रखते हैं या एंड्रॉयड टीवी के ऊपर रखते हैं तो भी आपका डिवाइस जो है वो डैमेज नहीं होगा, कैमरा प्रॉपरली यहाँ पे फिट हो जाता है। तो ये प्राइस पॉइंट में आपको 2.1 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है विथ डुअल माइक भी मिलता है। जैसे मैं आपको एंड्रॉयड टीवी में कनेक्ट करके दिखाया, मैं काफ़ी डिस्टेंस में बैठा था फिर भी इसका जो माइक्रोफोन है ये रिसीव कर लेता है आपका बात को और सामने वाले को काफ़ी क्लियरली सुनाई देता है। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर ये प्राइस रेंज में आप एक वेबकैम सर्च कर रहे हैं तो लेनोवो 300 आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसमें जो कैमरा दिया गया है ये 2.1 मेगापिक्सल का फुल एचडी कैमरा है जो कि काफी अच्छा क्लैरिटी देता है और इसका खासियत ये है कि इसमें आपको डुअल बिल्ट इन माइक मिलता है विथ स्टेरियो फैसिलिटी। और जैसे मैं आपको दिखाया इसका माइक भी काफी अच्छा परफॉर्म करता है, काफी डिस्टेंस में भी अगर आप बैठते हैं तो भी आपका आवाज जो है सामने वाले को अच्छा तरीके से सुनाई देता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अभी आप हमको इंस्टाग्राम एंड ट्विटर में फॉलो कर सकते हैं, हमारा फेसबुक का पेज जो है उसको लाइक भी कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए क्योंकि इस टाइप का वीडियो मैं रोज लेके आता हूँ। तब तक हमारा चैनल देखते रहिए। साहू टेक्नो गाइड, आपका दिन शुभ हो।